वोटिंग करवाए थे, वोट में भारत के पक्ष ज्यादा मतदान मिले, जिन्होंने कहा कि हमें तो भारत में मिलना है, तो जूनागढ़ को भारत में मिला दिया। ठीक है, अब नीचे रह गया हैदराबाद। हैदराबाद का जो नवाब था वो भी मुस्लिम था, जनता वहाँ की हिंदू थी, उसको ही बहुत बोला कि तू बीचों बीच है, कल को तू बोलेगा कि मैं पाकिस्तान जा रहा है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे था, साउथ में था। हैदराबाद जानते हो, हैदराबाद किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। तो उसमें हैदराबाद एक रियासत था, अलग निज़ाम था वहाँ का। उसने कहा मैं तो अलग रहूँगा, लेकिन सरदार पटेल जी बड़े दूरदर्शी थे, दूर की सोचते थे कि अगर कल की डेट में एक बोलेगा, क्योंकि मुस्लिम होने के नाते बोलेगा भी पाकिस्तान मुस्लिम राज्य है, तो मुझे वहाँ मिलना है, तो हम कैसे रोक सकते हैं? तो जब मिलने की इच्छा करेगा तो हमारे देश की सीमाओं का यूज करेगा, आकाश का यूज करेगा, बॉर्डर्स का यूज करेगा, ऐसे जो है हमारे देश में वहाँ से जो है आतंकवादी या टेररिस्ट वगैरह आते रहेंगे। तो सरदार पटेल जी ने उनको अल्टीमेटम दिया कि आप मिलिए, नहीं तो हम उसकी नाकाबंदी कर देंगे। नहीं मिला, दीवान ने कहा मिल जाइए, दीवान भारत के फेवर में था। तो सरदार पटेल जी ने क्या कहा, रातों रात वहाँ आर्मी भेज दी, सारे राज्य को जो है बिल्कुल नाकाबंदी कर दी, वहाँ का बिजली पानी भोजन सब सप्लाई कट कर दी, अब मिलो। ठीक है, क्योंकि भाई वो एक हैदराबाद बिल्कुल नीचे था, इंडिया का पार्ट था, जब नहीं माना तो थोड़ा सा उसके लिए तलवार की नीति, तलवार रक्त की नीति, रक्त और लोहों की नीति जैसे बोलते हैं हम। ठीक है, सरदार पटेल जी बड़े बोल्ड थे इस मामले में, उन्होंने कहा कि अब तू कहाँ जाएगा बता, उसको पूरा घेर लिया। तो उसने क्या किया, रातों रात जो है हस्ताक्षर करते हुए भारतीय मिल रहा हूँ, तो हैदराबाद क्या हुआ, इंडिया का पार्ट बन गया। अब रह गया जम्मू कश्मीर, जो कि आज भी है ना प्रॉब्लम, क्योंकि पाकिस्तान बोलता है मेरा है, क्योंकि मुस्लिम लोग ज़्यादा थे वहाँ पर, और हम बोलते हमारा हिस्सा है। फिर वहाँ के राजा से हरी सिंह से बात करी, लोगों ने बात करी, सरदार पटेल जी के प्रतिनिधि भी गए बात करने के लिए, कांग्रेस के भी नेता गए, सब लोग गए, नहीं माना वो हरी सिंह। जब उस पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, कबाइली अटैक, आतंकवादियों ने अटैक किया, तब उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने काफ़ी पंडित नेहरू को कहा, प्रधानमंत्री को भी हमें हेल्प दीजिए। पंडित नेहरू का भाई मैं कैसे हेल्प दूँ, तो अलग है, हम किसी के राज्य में थोड़ी इंटरफेयर कर सकते हैं, तुम तो बिल्कुल अलग रह रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को भारत में मिलना है और मेरे राज्य में अटैक हो रहा है, तो मैं कैसे बचूँगा जब मुझे मारे देंगे। तो पंडित नेहरू का इसमें एक ही बात है कि पहले इंडिया में मिलिए आप, जब आप इंडिया मिलोगे तो हम अपनी आर्मी भेजेंगे, बिना उसके मार भी नहीं भेज सकते। ठीक है, जैसे हम अपने पड़ोसी के घर में नहीं इंटरफेयर कर सकते ना, तो हमारा पड़ोसी भी बोलेगा हमारे को कि हमारी हेल्प करिए, तो हम क्या वहाँ जा सकते किसी घर में? नहीं जा सकते ना। ऐसे ही वहाँ भी हुआ, तो सरदार पटेल ने एक संधि रखी कि भारत में विलय की संधि। तो राजा हरि सिंह जो है वो मान गए, उन्होंने रातों रात हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना, पाकिस्तान का नहीं, क्योंकि वहाँ का राजा जो था वो हिंदू था हरि सिंह, और जनता कहती मुस्लिम थी। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, मेरा पार्ट है, मेरा हिस्सा ये। तो पाकिस्तान वहाँ से आतंकवादी भेजा उसने, 47 में हमारे पास अटैक हुआ। जब सरदार पटेल ने जब संधि मान गए, तो हमने अपनी आर्मी भेजी वहाँ, आर्मी भेजी तो हमने पाकिस्तान को काफ़ी दूर तक लाहौर तक खदेड़ दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो गतिविधि